हेलो गाइस, देखिए कितना ज़्यादा धूप है और मैं अभी ना कपड़ा सुखाने आई हूँ और आधा ही कपड़ा सुखाई हूँ और मुझे कुछ इतना अच्छा दिखा जो मेरा फेवरेट है तो वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लगा। अचानक से देखिए, मैं पता नहीं रोज चढ़ती थी, रोज पानी डालती थी, फिर भी नहीं देख रही थी और आज देखिए, और इसमें पानी भी डालना पड़ेगा। सूखा सूखा लग रहा है तो देखिए कितना अच्छा मौसम तो नहीं है क्योंकि बहुत धूप है। और ये चिड़ियों की चहचहाहट, और ये देखिए हमारा केला कितना अच्छा लग रहा है ना, और वो नारियल रहा। किसी दिन मैं नारियल करवाऊँगी तो इसका भी वीडियो डालू। देखो ना, जिनिया का पौधा बहुत जल्दी सूखने लगता है, छांव चाहिए इसे, मतलब धूप में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता वो। और ये क्या फंस गई, तो फिर मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ वो है कपड़ा। तो पहले पूरा सुखा ही नहीं हूँ और मैं इसी ही देख डाली। और मुझे ऐसा कुछ, मैं अपने हाथों से ये तो लगाई थी ये वाला रोज़, लेकिन मैं इसमें ना ये करेले का बीज नहीं डाली थी। देखो ये अपने से ही जग गया है और इसमें से ना एक छोटा सा करेला आया है। देखो ये देखो, है ना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा कुछ फला देखो तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी फल या कोई भी सब्जी ऐसे फला हुआ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये रोज़ का राजा देखो, रेड कलर में कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, अमर लिली है शायद, पता नहीं। और इसका देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। मस्त मस्त हवा चल रही है लेकिन वो कितना है कि बहुत पसीना आ रहा है। इन सब का मैं कटिंग करूँगी किसी दिन। तो बस मैं यही दिखाने के लिए आप सबको ना मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ बीती है। मेरी स्टोरी मतलब मेरी नहीं, हम बहुत सारे थे तब की बात है। और जब जब मैं ये केला का फला हुआ देखती हूँ ना तो जब भी मैं छत आती हूँ और उसको देखती हूँ मुझे वो स्टोरी याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। पहले ना हम लोग वहाँ रहते थे ना रायपुर में, तो हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा बारी था, बहुत ही बड़ा, और उसमें बहुत सारा फल था। जाम का था, छीता फल था, केला था, नींबू था और बहुत सारे क्या क्या पेड़ थे पता नहीं। और बारी सब्जी भी बहुत बोते थे। तो हम लोग क्या करते थे पता है, बहुत छोटे थे मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे थे पता है ना, हम लोग उसके बारी में जाते थे, कोई नहीं रहता था, ऐसी गर्मी का दिन रहता था, बहुत ज़्यादा धूप। और कोई भी सीजन में हो दोपहर के समय वहाँ बहुत किराएदार रहते थे, किराएदार वाले लोग सो जाते थे ना दोपहर को, तो हम लोग जा के उसका जाम तोड़ते थे, छीता फल चुराते थे और केला चुराते थे, मूंगा चुराते थे, मतलब हम लोग जाके क्या करते थे, बहुत चोरी करते थे उनका ये फल सब्जियाँ, बहुत ज़्यादा चोरी करते थे। और चोरी करके क्या करते थे पता है, हम लोग फ्रेंड ना सब एक जगह पे रह के ना एकदम पिकनिक जैसे मनाते थे, अपना अपना घर से कुछ कुछ लाते थे, कोई तेल लाता था, कोई हल्दी, कोई मिर्चा, कोई लकड़ी, तो ऐसे ही मिल जाता था। तो हमारे घर मेरे घर चूल्हे पे बनाते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लगता है पता है वो वाला बात याद करो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो भी क्या दिन थे, क्या बचपन थी यार, कसम से बहुत ज़्यादा याद आती है वो बचपन, बहुत ही ज़्यादा। और जब भी मैं ये देखती हूँ ना ये केला तो मुझे बस वही याद आता था कि हम लोग कैसे केला तोड़ तोड़ के लाते थे, मुनगा तोड़ के लाते थे, मुनगा का भाजी सब्जी भी तोड़ते थे और लाल भाजी पाला भाजी जो भी लगा रहता था नवल गोल ऐसे ही उखाड़ के लाते थे, खा जाते थे। मूली बहुत सारा हर सीजन में कुछ ना कुछ मिल ही जाता था, मतलब बारह महीना कुछ ना कुछ मिलता था। हम लोग स्कूल से आते थे या कभी कभी तो स्कूल ही नहीं जाते थे, बस पिकनिक मनाएंगे करके ना वहीं के चोरी कर करके लाते थे। बहुत ज़्यादा मतलब ना वहीं कचौरी कर करके लाते, कचौरी कर करके लाते थे, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता था। देखो मधुमालती का फूल कितना अच्छा खिला। तो मुझे ना वो वाली बातें बहुत याद आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भी क्या दिन थे ना, कितना चोरी करते थे हम लोग, और अब देखो कितने समझदार हो गए हैं, किसी का अब चोरी वोरी नहीं करते रे बाबा। लेकिन बचपन में होता है ना कि देखो तो लालच ही आ जाती है और हम उसे तोड़ने के लिए कूद पड़ते हैं, सोचते नहीं है कि वो किसी और का है, कोई गाली देंगे, चिल्लाएंगे, डांटेंगे, कुछ नहीं सोचते, बस बच्चे मन के सच्चे, बस वही
तोड़ने लग जाते थे। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हवा चल रही थी बंद हो गई। तो देखो चिड़ियों की चहचहाहट कितनी अच्छी लग रही है, और मेरे पीछे जो केले का पेड़ है कितना अच्छा लग रहा है ना। जब वो पकेगा तो आप सबके लिए वीडियो बनाऊंगी। मैं किसी दिन सोच रही हूँ वाला नारियल तोड़वाऊँ अपने हस्बैंड से, सोच रही हूँ आज ही तोड़वा लूँ क्या। आज देखती हूँ अगर मेरे हस्बैंड दोपहर को आते हैं तो फ्री रहते हैं तो उसे तोड़वाती हूँ, फिर खाते हैं उसका मलाई खाते हैं। अच्छा आप सबको एक और बात शेयर करनी थी, जब मैं बताई नहीं थी वो वाला व्लॉग में जहाँ मैं तालाब गई थी और मछली देखी थी और मछली पकड़ने के लिए मैं उतर गई थी, वो वाला मछली मैं यही वाले टब पे रखी हूँ। और ये सेकेंड बार प्रेग्नेंट है मेरी मछली, इतनी सी है और सेकेंड बार प्रेग्नेंट है, बहुत खुशी होती है। ये देखो आप सबको नहीं दिखेगा, अभी धूप के कारण ना पानी बहुत गर्म हो गई है तो ऊपर नहीं आती, सब नीचे नीचे रहते हैं। रात के समय मैं टहलने आई थी तो सब ऊपर ऊपर आए थे। तो उस एक दो को मैं पकड़ी भी थी और उसका वीडियो भी बनाई थी, डालूंगी देखना आप सब। अच्छा लगता है ना, मैं पकड़ी थी वो मछली खुद मेरे सामने, वो बड़ी तो नहीं हो रही है, इतनी सी है और सेकेंड बार माँ बनने वाली है, मतलब प्रेग्नेंट है वो सेकेंड बार। सोच रही हूँ रायपुर जाऊँगी, अभी गई थी ना तो सोच रही थी लाऊँ करके, लेकिन रुकना ही नहीं हुआ, रुकूँगी तो लाऊँगी वहाँ से बहुत सारी मछली खरीद के और उसी में डालूँगी, बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको बहुत खूबसूरत फ्लावर दिखा रही हूँ, देखिए देखिए इनकी कलर, ये दोनों में आपको कौन सी कलर अच्छी लगी, देखिए इसमें वाइट कलर भी है ना, लग रही है ना अच्छी। कितनी धूप थी, कितनी ज़्यादा धूप थी, पसीना भी आ रहा था और अभी बदली हो गई और इधर का मौसम तो फिर बदली, फिर धूप हो रही है और मैं रील्स बना रही थी और मस्त बदली हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारा काम करना है मेरे टेरेस गार्डन पे, बहुत सारा कटाई करनी है, पता नहीं कब करूँगी, किसी दिन करूँगी। नजर मन जर मना के मोलाया अपन दीवानी बना के मोला रे ए हाय मार डरे मया माँ मार डरे मया माँ। दिन होते तो उनके साथ यहाँ इस मौसम में बहुत अच्छा लगता, उनका परसों छुट्टी होने वाली है फिर उसके बाद हम चलेंगे घूमने, बहुत मज़ा आएगा ऐसी मौसम में, देखो ना बदली है बदली। तो बाय फ्रेंड, चलती हूँ अब नीचे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो देखिए गाइस ये है वो मछली, ये उसकी बच्ची है और इसकी माँ फिर से प्रेग्नेंट है और इससे ही थोड़ी सी बड़ी है वो और प्रेग्नेंट है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, छोटा छोटा दिखाई भी नहीं देता इतना बड़ा टब में।